तो आइए इसको हम दूसरे वीडियो में बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट जिसका नाम था फंगस और प्रोटोजोआ, और दो को जो है जीवाणु और कवक अगले वीडियो में हमने बता दिए हैं। अब इसको तीसरा समझेंगे कि फंगस जो होता है जिसको हम बोलते हैं कवक, क्या चीज बोलते हैं कवक, कवक जो होता है कैसे। तो एक ट्रिक रखा गया है, गांजा दमाद खाए फ्रूट, फ्रूट के मतलब फल, माने चांदिल दमाद है जो खा रहा पूरा फ्रूट है कि नहीं, समझ में आया। तो इसको हो गया गांजा, गांजा से हो गया गंजापन, गंजापन मतलब समझ में आता है केस एकदम पूरे अमित शाह नहीं उड़ जाता है पीछे पीछे कर, तो उसको बोला जाता है कौजी फंगस के कारण अभी होता है। दामा, दामा जो होता है दामा खांसी जाते हैं ना, तो दामा धार लेता है वो भी फंगस के कारण। खाए, खाए से भी खाद खुजली, मैंने खुजली भी देखे होगा हाथ में धर लेना कभी जाने के तने है तो शरीर में खुजली आते रहना, ये सब भी होता है फंगस के कारण। फ्रूट जो होता है जिसका नाम है एथलीट फ्रूट, पूरा नाम है एथलीट फ्रूट, फ्रूट ये भी होता है जो फंगस से होता है। चौथा है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो एक पर है सोपा पे काम, सोपा मतलब होता है जैसे सोपा जो होता है ना और खाना पीना खाते हैं उसी में सोपा भी बोले सोपा पे काम। तो सो से ट्रीक हो गया सोने की बीमारी, पास हो गया पायरिया जो दांत में हो जाता है, पे से हो गया पेचिस, का से हो गया काला ज्वार, अम्मा से हो गया मलेरिया, ये सब के सब प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। पहला सोने की बीमारी प्रोटोजोआ के कारण, पायरिया हो जाता है सोने के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, काला जर जो होता है प्रोटोजोआ के कारण, मलेरिया जो धर लेता है प्रोटोजोआ के कारण। तो ये हमारे शरीर में मानव के शरीर में होने वाले रोग जो प्रमुख रोग है जिसका नाम चारों, पहला वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ये चारों से हमारे शरीर में रोग जारी करता है। सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक इस प्रश्न को इससे पूछता है, इसको जरूर याद कर लें, थोड़ा सा घात करें तो ऊपर भी याद कर लेते हैं।